बड़ी विडंबना की बात है कि जिन कृषि सुधार कानूनों की बात 2010 और 11 में जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट बन रही थी मनमोहन सिंह जी के समय, उस समय ये सब दल जो इन कृषि सुधार कानूनों की बात करते थे, आज जब वो अपने समय में उन बात को सिरे नहीं चढ़ा पाए और नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद इन कृषि सुधार कानूनों को एक प्रकार से जो रूप दे दिया, और उसके बाद यही सब दलों के नेता इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं जैसे इनको अपनी जो की हुई बातें वो याद ही ना हो, भूल चुके हो। जो कृषि मंत्री थे शरद पवार जी यूपीए गवर्नमेंट में, उस समय तो उन्होंने इन बिलों के ऊपर यानी समर्थन करने के लिए, इन बिलों को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र तक लिखे कि अगर आप ये कृषि सुधार कानूनों को लागू नहीं करेंगे, और उन्होंने एपीएमसी के कानून में संशोधन करने की बात, उसको हटाने की बात, मॉडल एपीएमसी कानून लाने की बात उस समय कही थी, और उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर कोई प्रदेश नहीं करेगा तो उनकी आर्थिक सहायता बंद कर देंगे। आज न जाने एकाएक सब लोग, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो आरजेडी बिहार से हो, चाहे वो जनता पार्टी हो, बीएसपी हो, चाहे अकाली दल है, ये सब दल एकाएक निकल पड़े हैं कि हम इन कानूनों से सहमत नहीं। हमको ये समझ नहीं आती कि आखिर इस ओछी राजनीति को किसान के कंधे पर बंदूक रख करके और ये जो इस प्रकार का ओछा काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है, बहुत अच्छा नहीं है। जनता को इसको समझना चाहिए, हमारे किसान भाइयों को भी समझना चाहिए कि ये जो एक अच्छे कानून किसान की प्रगति के लिए लाए गए हैं, इनको लागू करने में कोई हर्ज नहीं है। और जिस प्रकार से एमएसपी की बात कही गई है, एमएसपी का आश्वासन प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि इस एमएसपी को लगातार लागू रखेंगे, कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने देंगे। और ये जो विपक्षी जो दल है, इनके इस प्रकार की कृत्य की एक प्रकार से घटिया कृत्य है, दोगलापन है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। ये इस देश का इतिहास रहा है कि जब भी कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जब से अटल जी की सरकार आई और बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़े हैं, उस समय इन दलों ने हमेशा इसी प्रकार का व्यवहार दिखाया है। चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो, जो वर्षों से लटका पड़ा विषय था, 30 वर्ष पहले उस समय तो कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने भी एक प्रकार से किसानों के लिए ऐसी आपत्ति के समय उनको मुआवजा पूरा मिले, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विषय 30 साल से लटका हुआ, वो उन्होंने जब लागू किया, ये सारे दल उस समय इकट्ठे हो गए थे। तो ऐसे बहुत अवसर आए हैं जब कोई विषय देश की यानी नागरिकता संशोधन कानून का जो विषय आया, तब ये सारे दल इकट्ठे हो गए। 370 के प्रभाव को समाप्त करने की बात आई, तब ये सब दल इकट्ठे हो गए। इन सब दलों को एक ही लगता है कि कोई प्रभावी नेतृत्व तो इस देश में यदि आएगा तो इनकी सबकी दुकानें बंद होगी, इसलिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। एक सीमा के अंदर हर कोई अपनी बात कहे, अच्छी बात है, फिर भी इन्होंने जो धरने दिए हैं, प्रदर्शन दिए हैं बॉर्डर के ऊपर, और उसमें हजारों लोग आज, चाहे वो सिंघू बॉर्डर है या टिकरी बॉर्डर है, वहां पर हजारों लोग जो इकट्ठे हुए, तो उसके अंदर चूंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो मानवीय आधार के ऊपर उनकी सहायता करना, ठंड के दिन है किसी प्रकार की तकलीफ हो जाए तो उसका ध्यान रखना, और चाहे उसमें मेडिकल हेल्प है, हेल्थ सर्विसेज है, पानी की सप्लाई है, टॉयलेट्स हमने बनवाए हैं, लाइट की व्यवस्था वहां की कराई है, रेड क्रॉस के लोग भी उसमें लगे हैं ताकि कोई कठिनाइयों को ना आए, ऐसे हमने प्रबंध किए हैं। और मैं समझता हूँ लगभग हमारे यानी पुलिस कर्मचारियों को छोड़ करके और 750 कर्मचारी इन सब विभागों के, पब्लिक हेल्थ के, वाटर सर्विसेज के, पावर डिपार्टमेंट के, हेल्थ डिपार्टमेंट के, ये सब लोग इनकी सहायता करने में वहां लगे हैं ताकि किसी को कठिनाई ना आए। कोई भी बीमार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए, कोरोना का समय है, हम वहां जागरूकता भी पैदा कर रहे हैं, हमने मास्क भी बंटवाए हैं, हजारों की संख्या में मास्क वहां बंटे हैं ताकि किसी प्रकार की इनको तकलीफ कठिनाई ना आए। आखिर तो किसान भले वो धरना दे रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बहकावे पर जो नहीं देना चाहिए, फिर भी आखिर किसान तो हमारा भी है, सब किसान के साथ हम जुड़े हुए हैं, किसान का एक देश के प्रति जो दायित्व है उसको भी हम समझते हैं, इसलिए हमारे अपने लोग हैं, हम उनकी सहयोग सहायता के लिए हर समय तत्पर रहेंगे।